अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को अहमदगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों का सरगना गैंगस्टर भागने में कामयाब। शातिरों के कब्जे से पुलिस ने 5 बाइक समेत एक बाइक के कलपुर्जे, अवैध तमंचा, मय कारतूस और एक छुरी के साथ उपकरण भी किए बरामद। गिरफ्तार शातिरों पर अहमदगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। थाना अहमदगढ़ पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। ये वाहन चोरों का एक शातिर गिरोह है जिसके दो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, तीसरा नहीं मिल पाया है, उसकी तलाश की जा रही है, जो सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। उल्लेखनीय यह है कि ये आपस में तीनों रिश्तेदार हैं, दो सगे भाई ये गिरफ्तार हुए हैं। इनका जो कार्य करने का तरीका है वो ये है कि ये आसपास के जनपदों से मोटरसाइकिल चुरा के अपने घर लाते हैं और घर के अंदर मोटरसाइकिलों के पार्ट्स निकाल करके तीन मोटरसाइकिलों पर एक अलग किस्म की मोटरसाइकिल नई तैयार करते हैं, जिसका इंजन नंबर कुछ और होता है, चेसिस नंबर कुछ और होता है। तो इस तरह से इनके कब्जे से कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से एक थाना सिकंदराबाद से चोरी की है, एक कोतवाली देहात से चोरी की है तथा तीन जो अन्य मोटरसाइकिलें हैं उनका दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से चोरी करना इनके द्वारा बताया गया है। उस संबंध में हम और वेरीफाई करा रहे हैं कि क्या वहाँ पर मुकदमे दर्ज हैं या नहीं। ये फिलहाल लोकल लोगों को ही मोटरसाइकिल सस्ते दामों पर बेच दिया करते थे। अभी तक इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन इसमें जो तीसरा अभियुक्त शाहिद उर्फ सईद है, जो गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो शातिर किस्म का अपराधी है। गैंगस्टर आज के मुकदमे पूर्व से उसके विरुद्ध पंजीकृत रहे हैं। तो इस गैंग को वर्कआउट करने के लिए जो एक सराहनीय कार्य थाना पुलिस के द्वारा किया गया है, इन्हें 15,000 रुपये के पुरस्कार राशि से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। साइबर क्राइम सेल का सराहनीय कार्य, अथक परिश्रम कर फरौती के ऑनलाइन जमा कराए गए 60,000 रुपये आवेदक के बैंक खाते में कराए वापस। कोतवाली देहात के गाँव कलोली निवासी चमन नाम के व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने मुंबई से किडनैप कर पिता से मांगी थी 60,000 रुपये की फरौती। पुलिस ने पीड़ित को सकुशल बरामद कर बदमाशों का करीब 2,22,000 रुपये और अकाउंट बैंक मैनेजर की मदद से कराया फ्रीज। फरौती के 60,000 रुपये भी पीड़ित को खाते में लौटाए। पीड़ित ने बुलंदशहर SSP को पत्र लिखकर SP क्राइम और टीम की प्रशंसा की। फरियादी बनकर लाइन में खड़ा देश का जवान नायब सूबेदार चरण सिंह, फौजी बनकर आरोपी द्वारा नायब सूबेदार की जमीन का फर्जी बैनामा अपने नाम कराने का आरोप। जमीन बेचने के दौरान सूबेदार चरण सिंह को हुई जानकारी। शिकायत लेकर खुर्जा तहसील समाधान दिवस पहुंचा पीड़ित फौजी, अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव वाजिदपुर का मामला। किसानों के पशु चोरी करने आए पशु चोरों के वाहन व उसके चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर की धुनाई। पुलिस की सजगता से एक पब्लिक एनकाउंटर होने से बचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए पशु चोरों के साथी को पब्लिक के चंगुल से छुड़ाया। गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने भेजा जेल। फरार 6 पशु चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। गुलावटी थाना क्षेत्र के ओलेहड़ा गांव में देर रात का मामला। साइबर क्राइम टीम के काम से खुश होकर SSP ने टीम को 15,000 रुपये से किया सम्मानित। साइबर क्राइम टीम ने जनवरी 2021 से अब तक 55 मामलों में ठगी किए गए करीब 28,00,000 रुपये खाता धारकों को वापस लौटाए, जिससे खुश होकर SSP ने टीम को 15,000 रुपये का इनाम देकर सम्मानित किया। पूरे देश में साइबर अपराधियों के द्वारा बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी करते हुए लोगों को धोखा दे करके और गलत सूचनाएं दे करके उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और पूरे देश में काफ़ी लोग इससे पीड़ित और प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जनपद में भी एक साइबर सेल का गठन किया गया है, जिसके प्रभारी श्री राजीव गौर हैं। इनकी और इनकी टीम के द्वारा जनवरी से लेकर अब तक इन 7.5 महीनों में, लगभग 7.5 महीनों की अवधि में 55 मामलों में, 55 प्रकरणों में 28,00,000 रुपए जो ऑनलाइन ठगी के लिए गए थे वो वापस कराए गए हैं और इनके स्तर पर कई अच्छे गिरोहों को पकड़ा गया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 अपराधियों को अभी 2-3 दिन पहले इस टीम के द्वारा पकड़ा गया, जिनके पास से 50 प्री एक्टिवेटेड सिम बरामद किए गए हैं। साथ ही एक नया प्रकरण जो अभी आपके सामने खड़े हैं, इनके साथ ये था कि मनोज कुमार करकोड़ा सैदपुर थाना बीबी नगर के रहने वाले थे और इनके साथ ऑनलाइन ठगी हुई थी। उस प्रकरण में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जो अभी आपके सामने खड़े हैं, ये इनके बच्चे का अपहरण मुंबई में किया गया था और इनके पिताजी को फ़ोन से बताया गया, इन्हीं के फ़ोन से बताया गया
कि आपके बच्चे का अपहरण हो गया है, उसकी इन लोगों द्वारा पिटाई भी की गई मुंबई में, और पिटाई के बाद इनसे पैसे मांगे गए 60,000 रुपये। इन्होंने तत्काल ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र कर दिए थे। हम लोगों ने रात में ही प्रयास करके मुंबई पुलिस से सहयोग लेते हुए और लड़के को बरामद करा लिया था। आज उनके पैसे ऑनलाइन ठगी के जो 60,000 थे दोबारा वापस इनके अकाउंट में आ गए हैं, तो उसी का धन्यवाद ज्ञापन करने के उद्देश्य से हमारे बीच में आए थे और टीम को उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जैसे ही किसी के साथ इस तरह की ठगी हो, बिना विलंब किए तत्काल यथासंभव सूचना पुलिस को दें, तो हम मैक्सिमम हमारा प्रयास रहेगा कि लोगों के पैसे वापस हों और लोगों में एक जागरूकता भी आए कि किसी भी स्तर पर अगर किसी के द्वारा फ़ोन से किसी तरह की लालच प्रलोभन दिया जाता है या किसी का बताया जाता है कि आपकी लॉटरी निकली हुई है या कोई मैसेज दिया जाता है कि इस नंबर को क्लिक करें या इस मैसेज को क्लिक करें, तो कृपया इससे बचें लोग, ताकि ठगी के शिकार ना हो सके। सर, इनाम दिया गया 15,000 रुपये की पुरस्कार राशि इस टीम को हमारे द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ट्रेंड लड़के हों, ये बिल्कुल अनट्रेंड लोग थे जिन्होंने अपने प्रयास से, अपने कौशल से, अपने अंदर वो स्किल डेवलप की और ऑनलाइन ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में सफल हुए। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।